ओके, तो आपको यहाँ से टूर देते हैं एक छोटा सा आपको। जैसे आपको पता है आखिरी में इलेक्ट्रिशियन को हमें सारा समझाना पड़ेगा कि हम ये हो क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। और मेरा नाम सिद है। और इस हफ्ते हम अपना सारा इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। ये एक स्टेप है जिसमें हमारे घर में पावर आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, तो हम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, पावर यूज कर सकते हैं, तो काफी एक्साइटिंग टाइम है। और जैसे आप सबको याद है, हमारी पिछली वाली वैन में ज्यादा पावर नहीं था, मतलब एक दो दिन के बाद हमारा फ्रिज बंद हो जाता था, दूध खराब हो जाता था, खाना खराब हो जाता था। और इस वैन में हमने एक नया फ्रिज ले रखा है और इतना अच्छा पावर सिस्टम होगा, शायद हम स्टाइलिंग भी लगाएंगे। वो भी हो तो पूरा छोटा सा घर हो जाएगा, तो इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सब इसमें हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा गोल चक्कर करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिलता, तो इसलिए हम स्टारलिंक का सोच रहे हैं ताकि हम आप सबके लिए वीडियो अपलोड कर सके। अभी हम हमारे इलेक्ट्रिशियन के गैराज के वर्कशॉप में हैं। तो चलो आप सबको अपना सोलर पैनल दिखाते हैं, इतना बड़ा है, तो हम 3 सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो हमारे पास 600 वाट्स का सोलर होगा। ओके गाइस, तो अभी हम बनिंग्स आए हुए हैं, यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लकड़ी ले, डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा लेना है। तो सिद, क्या लग रहा है कौन सा ले? ओके, मुझे सबसे ज्यादा क्यूट चीज मिली है, बताना आपको कैसा लगा, अभी नहीं खरीद रहे। कितना क्यूट है। जो हमारा स्टडी टेबल बना रहे हैं ना हम, वो स्टडी टेबल नहीं है, डाइनिंग टेबल। व्हाट इफ हम गोल टेबल यूज करें इन सिर्फ स्क्वायर, कितना अच्छा लगेगा। हमारे इलेक्ट्रिशियन ने हमें बोला है कि डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। डब्बा इज बॉक्स, डब्बा साउंड्स लाइक कंटेनर, कंटेनर नहीं, काफी बड़ा बॉक्स बनाना है। तो उसने तो बोला था हमें कि कोई काम नहीं करना, तो हमने कोई काम करा नहीं, पर आके उसने बोला कि डब्बा बनाना है, तो हम डब्बा बना रहे हैं। अभी ये वाला प्लाईवुड खरीद रहे हैं। लेट्स गो। इसको कार में कैसे रखेंगे? हाँ, इसको कार में कैसे रखेंगे? इसके दो टुकड़े करके देन दैट शुड फिट इन द कार। ये आदमी हमारे लिए इसको काट देगा। या ऑफ कोर्स, या या फुल्स गुड, या Yep, that's good, yep. इन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा। ऑनेस्टली इस दुनिया में कितने सारे अच्छे लोग होते हैं, मतलब इस आदमी से मिलके इतना अच्छा लगा। इसको हिंदी भी नहीं आती, पर ये सुप्रिया हमसे पूछा था कि आपका यूट्यूब चैनल क्या है, मैं सब्सक्राइब करूँगा, मैं देखूंगा। वैसे इसको हिंदी नहीं समझ नहीं आएगी, तो पता नहीं कैसे देखेगा। क्या कट करवाया है? तो ये प्लाईवुड कट किया है, दो साइजेस किए हैं, एक 1200 बाय 850 के दो हैं और 1200 बाय 700। तो जैसे हमने बोला था, इस हफ्ते का सबसे बड़ा काम है अपना इलेक्ट्रिकल्स का काम करना। तो इधर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सारा कंपोनेंट्स बैठेगा, डीसी चार्जर, इन्वर्टर, बैटरी, सब कुछ। तो ताकि ये सब कुछ चिपका रहे, सिर्फ इसके लिए डब्बा बना रहा है। So what are you doing? That's what I gotta figure out. तो अभी हम थोड़ा सा जुगाड़ करके इसको स्टिक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास जनरली घर में ढेर सारे टूल्स होते हैं, पर बेस्ट वर्क सेम। इतने हमारा एक डब्बा बना दिया है, कितने अच्छे तरह से फिट हो रहा है। इस पे हमारा सारे का सारा इलेक्ट्रिकल्स का घर होगा। तो जितनी देर के लिए हम बनिंग्स गए थे और हम अपना डब्बा बना रहे थे, इतनी देर में ग्लेन ने सारा क्वायरिंग कर दिया और 3 में से 2 सोलर पैनल्स छत पे भी लगा दिए थे। ये है दूसरा वाला सोलर पैनल जो ऊपर जा रहा है, और हमने पूछा था कि तीसरे सोलर पैनल के लिए हम मदद कर सकते हैं। उसने बोला जरूर, तो मैंने उसकी मदद करी और सिद वापस गया डब्बा बनाने के लिए। अब ये तीसरा वाला हमारा सोलर पैनल हम लगा रहे हैं रूफ पे। तो ये ग्लेन है, हमारा इलेक्ट्रिशियन है, इसको भी थोड़ी हिंदी सिखा रहे हैं। नमस्ते। How do I get up the thing?
तो अभी हम अपना सोलर पैनल ऊपर डाल रहे हैं और यहाँ पे ही लेटेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने अपना सोलर पैनल को पूरा लिटा दिया है और देखो यहाँ पे एक है, दो और उधर तीसरा है। ओके, तो ये हमारे पैन की तरह है जो सारा ड्रिलिंग करना है। अब हम सिकाफ्लेक्स लगाएंगे। सिकाफ्लेक्स इज लाइक कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्लू और सिलिकन। की तरह हम अपने फ्रेम को पहले ग्लू कर रहे हैं और फिर ड्रिल करेंगे एंड देन दैट्स इट। और गाइस, ताकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बने, हम ये कॉर्नर माउंट्स यूज कर रहे हैं। ऑनेस्टली गाइस, काम इतनी जल्दी से हो रहा है, मैं आधा का काम तो दिखाया भी नहीं, तो सब कुछ आखिरी में दिखाएंगे। पर देखो, सीलिंग में से छेद आ रहा है, हमारे जमीन से भी छेद आ रहे हैं। ये पता भी नहीं कौन से केबल लगा रखे हैं। आखिरी में इलेक्ट्रिशियन को हमें सारा समझाना पड़ेगा कि हम होंगे हो क्या रहा है। बेसिकली सारा सोलर पैनल का काम सारा अटैच हो रहा है, ये रहा वो डब्बा बना रहा है, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी से हो रहा है। तो ये केबल जो हमारे छत के थ्रू आ रहा है, ये हमारा मेन सोलर पैनल का केबल है। तो जो भी पावर हमारे सोलर पैनल से आ रहा है वो इस केबल के थ्रू आता है और बैटरी के अंदर जाएगा। और ये सारे तारे जो हमारे कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमारे सारे फ्यूज बॉक्स के साथ कनेक्ट हो गए। फ्यूज बॉक्स बैटरी के साथ कनेक्ट होगा और सोलर पैनल हमारे बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। तो ऐसे हमारी सारी बिजली आएगी और पूरे वैन में स्प्रेड होगी। और एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्शन पॉइंट है ये वाला, हमारा डीसी टू डीसी चार्जर। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी, ये वाला केबल जो जमीन से आ रहा है, वाला केबल, इसको कनेक्ट करने से क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी चलती है, हमारा अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। इतना मुझे पता नहीं कैसे करता है, पर जिसको भी कारों के बारे में पता है, आपको सब पता होगा कि अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। ओके, इसमें बैठने का टेस्ट कर रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। हाई फाइव। गाइस, सो आई थिंक मुझे थोड़ा सा और समझ में आ गया है। ये केबल्स, ये वाले केबल्स जो जमीन से आ रहे हैं इधर, ये केबल्स अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड है। अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। तो ये डीसी इन्वर्टर, आई थिंक दैट्स राइट, ये केबल्स अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड है, ये डीसी कनेक्टर फिर बैटरीज को चार्ज करते हैं, बैटरीज फिर हमारे इन सारे केबल्स को पावर करते हैं, और बैटरी हमारा सोलर पैनल के साथ भी कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। I'm so happy कि हमने actually professional के पास आ रहे हैं ये सारा काम करने के लिए। तो हम बस document कर रहे हैं कि आज क्या हुआ। यहाँ पे हमारी गाड़ी दो दिन रहेगी, तो आज और कल, बाकी का हमें बस visually दिखाओगी और वो voice over करोगी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। होता है कि बाहर बारिश होती है और सोलर पैनल्स उतना ज्यादा पावर नहीं कलेक्ट कर सकते, तो जब वो होगा, हम जनरली कैंप साइट पे रहेंगे। कैंप साइट पे अराउंड $40 पर नाइट पैसे देते हो और फिर आपको नहाने की जगह, किचन और पावर मिलता है। और हमारे वैन को हम पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये है वो पावर कनेक्शन का पॉइंट। ये ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम चेंजर है हमारे लिए। Wow. ये सारा हीट श्रिंक हो रहा है ताकि पूरा टाइट सील हो जाए। गाय,
गाइस सच्ची में मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ कि हम ये खुद नहीं कर रहे हैं। ये केबल यहाँ से कनेक्ट होके इधर आ रहा है। ओके गाइस, हमारा इलेक्ट्रिशियन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसने इतना अच्छा काम करा है, मतलब एक दिन से हम यहाँ पे हैं और प्रीटी मच इसने सब कुछ कर दिया। बस इतना कह रही हूँ कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमने इसको हायर करा है इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल काम में थोड़ा सेफ्टी हैजर्ड भी हो जाता है। मतलब अगर प्रॉपरली नहीं करो इलेक्ट्रिकल का सामान तो आग भी लग सकती है। बहुत अच्छा काम करा है इसने और महंगा भी था, पर इसके पास इतने सारे ये स्क्रूज हर जगह पड़े हुए हैं। हमें सिर्फ बस ये अटैचमेंट्स, इनमें ही खरीदने में कितने पैसे लग जाते हैं हमारे। और इसके पास ये आग वाला टूल है, ये क्रिम्पिंग का मशीन। ये मशीन तो प्रोबेबली 300-400 का होगा, तो पैसे तो वसूल हो गए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ये चिप्स खरीदना, एल्डी से मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। About anything else, and I just love seeing. कल मिलते हैं। Good morning, guys. मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहती हूँ। इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं। गुड मॉर्निंग, तो हम वापस आ गए अपने इलेक्ट्रिशियन के पास। तो ये दूसरा दिन है, कल काफी बड़ा दिन था और बहुत सारी वायरिंग भी हो चुकी है, 12 वोल्ट की हो चुकी है, अब आज 240 वोल्ट की वायरिंग भी होगी। बेसिकली टेक्निकल वर्ड्स, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे बस ये पता है कि हमारा सारा बिजली कनेक्ट हो रहा है, तो थैंक गुडनेस। और हमारा इलेक्ट्रिशियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये पहले एक्चुअली एरोप्लेन पर काम करता था, तो बहुत ही यू नो ना कि छोटी छोटी चीज़ों को देखना है कि ढंग से हो, वो वैसा है ये रहा। Hey, Glenn. Good timing. तो ये है हमारा सारा इलेक्ट्रिकल्स का घर। मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ से टूर देते हैं एक छोटा सा। आपको जैसे आपको पता है यहाँ पे दो कुर्सियाँ होगी और यहाँ पे टेबल जहाँ पे हम बैठेंगे। तो जब हम बैठेंगे यहाँ पे थोड़ी लाइट आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक LED स्ट्रिप लाइट डालेंगे। फिर अंदर आ जाओ, यहाँ पे हमारा किचन, और जब हम किचन में काम कर रहे ताकि और लाइट आए, यहाँ पे हम एक और LED स्ट्रिप लाइट लगाएंगे। फिर मूडिंग के लिए, ताकि अच्छी लगती है ना नीचे से जब लाइट आती है, जहाँ पे हमारे कवर्स हो गए, जहाँ पे मैं खड़ी भी हूँ, यहाँ पे भी एक LED स्ट्रिप लाइट होगी। और ताकि मैं लैपटॉप पे काम कर सकूँ, यहाँ पे हम एक पावर पॉइंट का प्लग डालेंगे। अब अंदर आ जाओ, इधर हमारा पूरा घर रहेगा। मतलब पावर पॉइंट, स्विचेस, सारा वाटर पंप को बंद करने का, सारे लाइट्स को बंद करने के लिए। और यहाँ पे ब्लू ब्लू से डॉट्स दिख रहे हैं ना, हम 5 LED गोल वाले लाइट्स डालेंगे इधर। और जैसे मैंने बोला था, ये हमारा सारा इलेक्ट्रिकल्स का घर है। फिर ये है मेरा सबसे फेवरेट, जो मैंने सिद्ध को बोला था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्तर में इधर लेटेंगे, इधर हम दोनों के पास लाइट स्विच होगी, इधर एक रीडिंग लाइट होगी और USB पॉइंट, तो हम अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर हम रीडिंग कर रहे हैं रात को ये लाइट ऑन कर सकते हैं। वैसे तो मैं रीडिंग नहीं करती, पर शायद मेबी आई विल स्टार्ट। और इधर भी एक लाइट, और ये है उस केबल की लाइट। ओ हाँ, मैं भूल गई, यहाँ पे भी LED स्ट्रिप लाइट होगी, और इधर भी एक LED स्ट्रिप लाइट होगी, और हम प्रोजेक्टर भी डालेंगे। तो प्रोजेक्टर के लिए हम एक पॉइंट डाल रहे हैं इधर, ताकि ये पूरी दीवार हमारी प्रोजेक्टर स्क्रीन इधर जाएगा। और बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा क्विक टूर था, पर ये हमारा ऐसे ही हमारा वैन होगा। अब चलो बाकी का काम करते हैं। Thank you.
to do one at a time. Okay, I'll do. Sid, you look terrified. Sorry, yeah, I am. I was trying to. That was cool. Okay, दोस्तों तो ये जो थोड़ी सी बड़ी वाली वायर है ये 12 वोल्ट की वायर है लेकिन हमारे फ्रिज के लिए है तो ये यहाँ से आ रही है और हमारा फ्रिज जाएगा जैसे यहाँ लिखा था फ्रिज 12 वोल्ट एंडरसन प्लग ये जो एंडरसन प्लग लिखा है वो इसके कारण क्योंकि हमारा जो फ्रिज है उसके कनेक्शन पॉइंट का एंडरसन प्लग होता है जो की है ये देखो यहाँ पे लिखा है एंडरसन ये हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे हमारा फ्रिज जो है वो सीधा यहाँ से क्लिप हो जाएगा और सिक्योर और सेफ कनेक्शन रहेगा ये है हमारा इलेक्ट्रिशियन इसका नाम है ग्लेन नमस्ते दोस्तों तो दोस्तों अब हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं हम एज एन इलेक्ट्रिशियन ग्लेन लेकिन तो बेसिकली ये स्मार्ट कंट्रोलर चार्जर है तो ये क्या करता है कि हमारे पास दो तरीके के चार्जिंग करने के एक जब गाड़ी चल रही है वो अल्टरनेटर के साथ जो हमारी रेगुलर बैटरी चार्ज होती है इसके साथ हमारी जो ये जो नए बैटरीज इंस्टॉल किए हैं वो भी चार्ज होंगे लेकिन इसके साथ सोलर पैनल के ऑल्सो चार्जिंग एक साथ होंगे तो अगर हम बिल्कुल सनी डे पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते वक्त अल्टरनेटर का चार्ज प्लस सन का सोलर चार्ज दोनों एकदम से बैटरी को चार्ज कर देंगे तो बैटरी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगी और ये अभी जो ग्लेन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जब सोलर पैनल आप खरीदते हो ये एक प्लास्टिक प्लग के साथ आते हैं तो ग्लेन ने वो प्लास्टिक का प्लग हटा दिया क्योंकि हमारा सोलर पैनल हमारे छत पे है मतलब धूप बहुत लगती है और अगर प्लास्टिक पे धूप बहुत लगती है वो यूजली क्रैक होता है तो इसलिए ग्लेन ने बिल्कुल हार्ड वायर कर दिया सोलर पैनल के प्लग को ताकि ये कभी निकले ना और फिर हम भाग गए चेक करने के लिए कि यार सोलर पैनल चल तो रहे हैं और परफेक्ट है दोस्तों हम वापस आ चुके हैं अब हम आपको पूरा इलेक्ट्रिकल का सेटअप दिखाएंगे तो दो दिन लगे हम अपने इलेक्ट्रिशियन के साथ है ग्लेन जिसको आप मिल चुके हो तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और सारे वायरिंग सुपरी वायरिंग और रफिन कहते हैं तो सब पीछे से वायरिंग लगा दिया है ताकि हम आगे का काम कर सके तो अभी दिखाते हैं तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल सेटअप सब यहाँ स्टोर हो जाएगा तो हमने ग्लेन के लिए ये डब्बा बनाया था बॉक्स लकड़ी का ताकि ये सब माउंट हो सके दीवार की तरह तो ये वाला हमारा इन्वर्टर चार्जर है तो इन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करता है हमारे बैटरी के 12 वोल्ट पावर को टू 24 वोल्ट टू 240 वोल्ट क्योंकि 240 वोल्ट हमारे घर के हाउसहोल्ड अप्लायंसेस रन कर सकता है और ये चार्जर भी है ताकि हम जब 240 वोल्ट घर से या मेन एक्सटेंशन लेके प्लग इन करेंगे ये हमारी बैटरीज को चार्ज भी करेगा Actually, honestly, काफी महंगा है लेकिन इट्स वेरी यूजफुल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा बताना मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कुछ पर तो, बस ये पता है कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल सेटअप करा है क्योंकि हमारी पुरानी वैन में हमारे पास एक 110 वॉट का सोलर पैनल था और एक बैटरी और उससे हमारा सिर्फ प्री मच फ्रिज ही चलता था और बाकी हमारी बैटरी फ्लैट हो जाती थी तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल सेटअप करें क्योंकि हमारा स्टोव इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो क्योंकि हमारे पास इंडक्शन कुकटॉप है फ्रिज होगा व्हाट एल्स फ्रिज हम टीवी डालने की सोच रहे हैं तो देखो इतने सारे तारे हैं बिल्कुल नूडल की तरह लग रहा है नूडल मैगी नूडल या स्पेगेटी तो इधर हमारा फ्यूज बॉक्स है ये दो बैटरीज लगाए हैं ताकि हमें इनफ पावर मिलेगी तो ईच वन 316 एम्प है कल हमने सोचा कि ये हमारा घर है हर घर के अंदर टीवी होता है तो हम टीवी क्यों नहीं लगाते तो सैमसंग का एक टीवी है जो हम इधर लगा सकते हैं जब टीवी चल नहीं रहा वो एक पेंटिंग बन जाता है तो हम सोच रहे कि वो लगाए पूरा 100% फाइनलाइज नहीं करा पर आप बताना कैसा लगता है ये आइडिया क्योंकि फिर ये पूरा घर की तरह लगेगा मतलब टॉयलेट शावर बेड किचन और टीवी होगा तो हम बहुत एक्साइटेड है हमें ना पिक्चर देखने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो टीवी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम सोचे थे कि प्रोजेक्टर डालेंगे पर अगर टीवी होगा आई डोंट नो क्योंकि इसलिए तो ये केबल डाले थे तो जब हमने अपने इलेक्ट्रिशियन के पास थे उसने बोला कि क्या आप दोनों को स्टारलिंक चाहिए स्टारलिंक बेसिकली इज इंटरनेट कनेक्टेड टू सैटेलाइट एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है पर लोग बहुत कम जगहों में रहते हैं तो हम पूरा ऑस्ट्रेलिया का गोल चक्कर करेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स होते हैं तो हमने सोचा एक सेफ्टी क्योंकि अगर सांप ने हमें काट लिया तो हम पुलिस को फोन कर सकते हैं मदद के लिए और यू कॉल द पुलिस इफ अ स्नेक बाइट्स यू कॉल 000
पुलिस आके सांप को जेल में डाल देगी प्रिया, पुलिस को मत फोन करना। ओके, बेचारा सांप। स्टारलिंग डालने के 3 रीजन है, एक सेफ्टी, दूसरा है ताकि हम आपके लिए यूट्यूब वीडियोस डाल सके हर हफ्ते और हर रोज, और तीसरा है हमें पिक्चरों का शौक है तो पिक्चर देखने के लिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि स्टारलिंक है क्या, तो इलोन मस्क ने ये सर्विस बनाया है, एक डिश होता है और आपको इंटरनेट दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकता है, क्योंकि ये सीधा सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। अगर बस स्काई दिख रहा है आपके पास इंटरनेट है, और वैन में हम बहुत रिमोट जगह जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं होते, तो अगर हमें कुछ हो जाता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली द आइडिया इज हम 100% ऑफ ग्रिड है, हमें किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें बस पानी भरना पड़ेगा वाटर टैंक में और पावर हमारे पास है, और अवन भी होगा, मतलब हम केक बना सकते हैं, पेस्ट्रीज, पफ पेस्ट्रीज आर माय फेवरेट, ओह इतना अच्छा होगा, पूरा घर की तरह होगा, लाइक हमें कोई कमी की लाइक फीलिंग नहीं होगी, यू नो, सिर्फ शावर नहीं होगा बट आउटडोर शावर होगा, तो अदर देन दैट सब कुछ होगा इस घर में, और ऊपर है हमारा सोलर। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, हर हफ्ते के लिए आपके कमेंट्स, इतना प्यार देते हो आप हमें, और हमारे 4 million हो गए, आई कैन नॉट बिलीव, ये इतना बड़ा कम्युनिटी, 4 million के। और एज यूजुअल आपके लवली कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी कमेंट्स अब यहाँ आ जाएंगे। तो अगले हफ्ते हम क्या करेंगे कि फ्रेमिंग करेंगे किचन काउंटर के लिए, हमारा सीटिंग एरिया और कबर्ड एरिया और शायद दीवार भी, तो काफी टिम्बर वर्क होगा और फ्रेमिंग सब कर देंगे, फिर उसके बाद प्लम्बिंग, इंस्टॉलेशन, वॉल क्लैडिंग, ये सब अगले हफ्ते, ये सब फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते फ्रेमिंग। एग्जैक्टली दोस्तों, अगले हफ्ते मिलेंगे, बाय। बहुत ही ज्यादा हॉट है वैन, तो पावर हैंडल करते करने पावर कर। अब हमने सुबह सुबह थोड़ी कॉफी ले ली है, वैसे हम कॉफी नहीं पीते लेकिन हम काफी कॉफी पी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि पिछले वीडियो में कॉफी पी, इस वीडियो में कॉफी पी रहे, चाय तो दिखाई नहीं। ऑनेस्टली गाइस, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम 1 दिन कॉफी पीते हैं, फिर बाकी के जो 6 दिन होते हैं हम सिर्फ चाय पीते हैं, और कॉफी सिर्फ इस कारण के लिए क्योंकि मिलता है, चाय मिलती नहीं। Just smash her right into me. Sorry. Can we get you to say namaste? 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 Yeah. The rest is too hard. Yeah. Just say namaste. Namaste dosto. Namaste dosto. Show me again. So namaste. Namaste dosto. Dosto. Yeah. Namaste dosto. Namaste dosto.